आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पुलिस ने निकाला अश्वरोही दल के साथ फ्लैग मार्च। चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की रहेगी नजर। सनावत, आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क होकर कार्य कर रहा है। वहीं नगर में अपराधियों पर पुलिस का अंकुश बना रहे और नागरिकों में अपराधियों को लेकर भयमुक्त वातावरण को रखते हुए नगर में अश्वरोही दल के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में एसडीओपी मंडलेश्वर शिवराज सिंह चौहान, थाना प्रभारी संजय द्विवेदी, तहसीलदार शिवराम कनासी के साथ थाने का बल, क्विक रिस्पांस फोर्स एसएएफ के 100 जवान और पुलिस व्यवस्था से लैस वाहन नगर के प्रमुख मार्गों से चौराहे से फ्लैग मार्च करते हुए निकले। फ्लैग मार्च के दौरान जिधर से भी पुलिस वाहन गुजरे, पुलिस सायरन बजाते वाहनों को देख नागरिकों ने घर से बाहर आकर फ्लैग मार्च को देखा। एडिशनल एसपी श्री पवार ने बताया कि पुलिस के विभिन्न कंपनियों के साथ नगर में शांति और आम नागरिकों में जनता की सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन का विश्वास रखते हुए नागरिक भय मुक्त रहे, इसलिए फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही दीपावली पर्व तक नगर में ही अपनी व्यवस्था बनाकर कानून के प्रति कार्य करेंगे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। अभी आगामी जो धार्मिक त्योहार है उनके मद्देनजर और लोकसभा उपचुनाव 2021 जो खंडवा बुरहानपुर खरगोन का होने वाला है, इसके मद्देनजर आज फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें अश्वारोही दल के सदस्य भी थे और हमारे पास जो QRF आया हुआ है वो भी उसमें रहा और पुलिस अधीक्षक खरगोन के निर्देशन में आज फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति की कसौटी बनी रहे और लोगों में कानून के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया।